नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका इनवर लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने आज से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा कर दी है शुरू। अंबाला के नारायणगढ़ में पहुंचे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यहां उन्होंने जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान राहुल गांधी ने दिया बयान कि हरियाणा में अडानी की नहीं चाहिए सरकार, हरियाणा में किसानों मजदूरों की बनेगी सरकार। साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस की 7 गारंटियों का भी अपने भाषण में किया जिक्र। करनाल की असंध विधानसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के सीएम की रैलियों ने भाजपा को दिलाई है बढ़त। योगी आदित्यनाथ की रैली ने राजपूत मतदाताओं को भाजपा की ओर किया आकर्षित, जबकि भजन लाल की रैली ने ब्राह्मण वोट बैंक को किया है प्रभावित। वहीं सांसद अशोक तंवर भी भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र राणा के समर्थन में डोर टू डोर चला रहे अभियान, जिसमें पार्टी में नई ऊर्जा का हो रहा है संचार। नू जिले में अंतर्राष्ट्रीय दंगल गर्ल और भाजपा नेत्री बबीता फोगाट ने भाजपा के प्रत्याशी संजय सिंह के लिए की वोट की अपील, जहां उन्होंने विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील। वही कार्यक्रम में पहुंचने पर बबीता फोगाट का फूल माला और पगड़ी पहनाकर किया गया जोरदार स्वागत। मंच से बबीता फोगाट न केवल कांग्रेस पर साधा निशाना, बल्कि स्थानीय विधायकों को भी लिया आड़े हाथ। हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 8 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण 6 साल के लिए कर दिया निष्कासित। इन नेताओं ने पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया था ऐलान, जिसे देखते हुए उनके खिलाफ की गई है कार्रवाई। हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं दिग्गज कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव में प्रचार व जनसंपर्क अभियान कर दिया है तेज। कुमारी शैलजा ने अंबाला कैंट के कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर सिंह परी के पक्ष में किया प्रचार। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के दौरान कुमारी शैलजा ने किया दावा कि इस बार कांग्रेस की है हवा और बनने जा रही है हमारी सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल कांग्रेस के 24 बागियों में से 10 के खिलाफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने निष्कासन की दे दी है मंजूरी। इन नेताओं के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि और विपक्षी दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के खिलाफ 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाने की थी कार्रवाई। अब इन बागियों की 6 साल तक कांग्रेस में नहीं हो पाएगी वापसी। फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा में आज चुनावी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार का टूट गया मंच। इससे समर्थकों समेत गिर पड़े पार्टी उम्मीदवार विजय प्रताप। एक समर्थक उन्हें फूल माला पहना ही रहा था कि टूट गया मंच और गिर पड़े कांग्रेस उम्मीदवार। हालांकि उन्हें किसी प्रकार के चोट लगने की नहीं है सूचना। हादसे के बाद उन्हें नीचे खड़े होकर देना पड़ा भाषण। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया बयान कि मुझे जेल से 3-4 महीने पहले ही छोड़ दिया गया होता तो हरियाणा में भी बनती हमारी सरकार। मुझे 10 दिन पहले छोड़ा गया। इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी की इतनी सीट आ रही है कि हरियाणा में हमारे समर्थन से ही किसी की भी बन सकती है सरकार। भारत में करोड़ों लोग करते हैं पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल। हाल ही के दिनों में इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर कई लोगों के बैंक अकाउंट कर दिए गए खाली। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ने व्हाट्सएप पर की है कड़ी कार्रवाई। गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी नहीं देने पर व्हाट्सएप निदेशक को नोडल अधिकारी के खिलाफ दर्ज किया है केस। हरियाणा में आज से 6 दिन तक मौसम रहेगा साफ। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने सुबह के किसी भी जिले के लिए जारी नहीं किया है कोई अलर्ट। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का है कहना कि मौसम खुश्क रहने से दिन से निकलेगी तेज धूप, जिससे पारा में देखने को मिलेगी बढ़ोतरी। 24 घंटे की करे बात तो अधिकतम तापमान में 0.7 डिग्री की हुई है बढ़ोतरी। अभी तक लगातार बारिश के कारण सुबह शाम के मौसम में देखने को मिल रहा है बदलाव, जिससे लोगों को हल्की ठंड का भी हो रहा है ऐसा। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अनलाइव।